अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। जैसा कि जानते हैं, दरोगा बहाली को लेकर बहुत से सवाल जवाब बिहार के छात्रों ने उठाया था। हम उसी प्रकार से अभी छात्रों से पूछते हैं कि और आगे क्या करने वाले हैं। सरकार ने अगले एग्जाम की डेट भी निकाल चुके हैं, तो क्या अब आप लोगों की आगे की मांगे क्या रहेगी? देखिए, हम लोग की सबसे पहली मांगे हैं सरकार से कि जो बिहार में इतना एग्ज़ाम होता है और हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन वायरल होता है एग्ज़ाम से पहले, तो देख रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार का जो पुलिस है, सिपाही है, हम लोगों को इस तरह से पीटता है। अपना जब हक मांगने के रोड पर निकलते हैं तो हम लोगों को इस तरह से पीटा जाता है। बड़का आतंकवादी हम लोग हैं। इतना मारा गया था 4 तारीख वाले में 7 बच्चे को, जिसका अभी तक इलाज चल रहा है अस्पताल में। तो हम लोग क्या अपना हक भी रोड पर नहीं मांग सकते हैं? हम लोग अपने जो CBI जाँच करने के लिए रोड पर उतरे हैं, CBI जाँच की मांग करते हैं, प्रदर्शिता मांगते हैं, तो उसमें हम लोग लाठीचार्ज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती नीतीश कुमार जी का, समझे कि नहीं? आने वाले दिनों में इनको हम लोग जब कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो उनको हम हटा भी सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब नीतीश कुमार नालंदा के हैं और हम भी उन्हीं के बगल के गाँव का नालंदे का हैं, तो इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें उनको बहुत ज़्यादा खामियां भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि उनकी कुर्सी जो है इस बार डगमगा गई है और वो हटने वाले हैं, इनको पता है। ठीक है, तो दिलीप जी, क्या CBI को अब लगता है सरकार देगी, आपको लग रहा है? देखिए, हम सरकार क्या करेगी ये तो सरकार ही जाने के लिए कि हम लोग का डिमांड शुरू से है और अभी भी और आगे भी रहेगा CBI जांच। CBI जांच इसलिए चाहते हैं कि जब तक CBI जांच नहीं होगी वो शिक्षा माफिया नहीं पकड़ा जाएगा, जो लोग क्वेश्चन आउट कराते हैं, जिससे इसमें राज्यसभा सांसद, मंत्री, विधायक लोग भी शामिल है, शिक्षा माफिया, टीचर, कोचिंग संस्थान भी शामिल है। तो जब तक CBI जांच नहीं होगी वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे, और जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट होगा। तो हम लोग का इसलिए डिमांड है कि CBI जांच हो, और सरकार से भी हम यही निवेदन करते हैं कि आप CBI जांच करवाइए। अगर नहीं करवाते तो इसका मतलब है कि आप इसमें संलिप्त हैं, आपके मंत्री विधायक संलिप्त है, इसलिए आप जांच नहीं करवाना चाहते हैं। और नीतीश जी का जो अभी तक का छवि रहा है वो धूमिल हो रही है। जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, न्याय के साथ विकास के नाम से जाने जाते हैं, वो अब धूमिल हो रहा है। छात्रों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं लगता है नीतीश कुमार जी? जी बिल्कुल, मैं विकेश भट्ट ये बताना चाहता हूँ कि जैसे लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार जो है CBI जांच करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर देखते हैं कि गलत गवाही दे दिया जाता है किसी के विरुद्ध तो उसको जेल में अब डाल दिया जाता है, पुलिस कार्रवाई हो जाता है, लेकिन हम लोग प्रूफ दिखा रहे हैं कि हम लोग पास प्रूफ है। लगातार 26 दिसंबर से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे बचपन में हम लोग जैसे प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे तो कोई बच्चा किसी का पेन पेंसिल अगर चुरा लेता था तो वो बच्चा बोलता था कि हमने पेंसिल नहीं चुराया है, लेकिन वो बोलता था कि सर यही पेंसिल चुराया है, तो उसका जैसे जाँच होता था, टीचर आते थे कि उसका बैग चेक होता था, उसमें पता चल जाता था। तो सेम कंडीशन हम लोग के तरफ, उसी तरह से हम लोग का भी हो गया। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं BPSC आयोग पर कि पेपर लीक हुआ है, और वो इस चीज़ को मांग जैसे मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि CBI जाँच होगा तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। CBI की जांच छात्र बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, तो CBI मंत्री जी के यहाँ भी गए, मंत्री जी भी आश्वासन दिए, मगर सब जानते हैं कि CBI जांच दे देंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? ऐसा ही है, अगर CBI जांच होगा तो बहुत सारे मंत्री लोग फंसेंगे, और ये लोग मीडिया में आके कुछ नेता लोग सिर्फ सिंपैथी लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स का कि नहीं हम स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन रियल में कोई सही तरीके से इस मुद्दा को नहीं उठा रहे। अगर अड़ जाए विपक्षी दल, अड़ जाए कि CBI जांच चाहिए, तो सरकार को मानना पड़ेगा CBI जांच, और सरकार के भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, विपक्ष के भी लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए CBI जांच के लिए ये लोग मुद्दा नहीं उठा रहे। लेकिन जब तक CBI जांच नहीं होगी हम लोग तो आंदोलन खत्म करने वाले हैं नहीं, चाहे जो करना पड़े, सरकार को जितना लोगों को अरेस्ट करना है करे, जो करना है करे, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रखेंगे। और 3 मार्च को हम लोग फिर पटना साइंस कॉलेज से आंदोलन कर रहे हैं, और बिहार के तमाम जिलों के युवाओं से, छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आप लोग 10 बजे साइंस कॉलेज पहुँचिए, चूँकि ये एक एग्ज़ाम का मामला नहीं है। हम लोग जो पर्चा लीक हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है हर एग्जाम में परीक्षा से पहले, उसके खिलाफ हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या उस दिन जैसे कि आप लोग के ऊपर लाठी डंडे से भी प्रहार किया गया है जी, तो उसमें आप भी शामिल थे, लगता है आपको भी चोट आई? मैंने जब यहाँ फर्स्ट बार जो रैली हुई थी, हम लोग शांतिपूर्ण अपना रैली कर रहे थे, हक मांग रहे थे, 4 तारीख का समय था, 4 फरवरी था, उस समय वहाँ पे एक MS खान करके मजिस्ट्रेट हैं जो इस तरह से बर्ताव करते हैं जैसे लग रहा है कि बड़का भगवान आ गए उतर के, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, वो हम लोग को समझ नहीं रहे हैं। जैसे माइक पकड़ लेंगे बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे कि तुम लोग खाली कर दो, एक ऊपर से आदेश नहीं है तो हम लोग आपके घर में जाएंगे रैली करने के लिए। मैं भी देखा हूँ जिस प्रकार से ये लोग महीना 2 महीना से लगभग इस एक प्रकार से मिशन में जुटे हुए हैं, और हम लोग इन तमाम दरोगा बहाली के खबरों को चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों की मांगे मानी जाए। अगर बिहार में ऐसी धांधली होती है तो न केवल बिहार के बिहार बिहारवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और न केवल न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है,
या कहीं ना कहीं राज्य के भविष्य के भी ऊपर एक नीपापोती का कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। इन तमाम खबरों के साथ बने रहूंगा झकास भारत से, मैं रविकांत, धन्यवाद।